हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फ्री लीगल सीरीज ऑफ जुडिशियल ड्रीम। सो जैसा कि कल हमने अपना मिस रिप्रेजेंटेशन डील किया था और फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या डिफरेंस है वो भी डिस्कस किया था। सो आई होप आपने कल वाले लेक्चर के जो भी होमवर्क क्वेश्चंस थे उन्हें अटेम्प्ट किया होगा। अगर आपको किसी भी लेक्चर से रिलेटेड, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। सो आज हम अपने फ्री कंसेंट वाले टॉपिक में आगे मूव ऑन करेंगे। सो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज योर मिस्टेक, ठीक है। सबसे पहले हमारा की सेक्शन आएगा, देन मिस्टेक का हम मीनिंग डिस्कस करेंगे, देन टाइप्स ऑफ मिस्टेक, देन हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट डिस्कस करेंगे, देन मिस्टेक ऑफ लॉ एंड फाइनली योर केस लॉस। तो ये हमारा आज का एजेंडा रहने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेक्शन 14 के साथ में। सेक्शन 14 इज योर की सेक्शन जो हम हर लेक्चर में डिस्कस करते हैं, क्योंकि जो कंसेंट है दैट इज योर जो फ्री कंसेंट है वो इसी सेक्शन के ऊपर बेस्ड है। सो हम कब बोलते हैं कि कंसेंट फ्री कंसेंट है? व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोअर्शन, जो हमने सेक्शन नंबर 15 में डील कर लिया है। नेक्स्ट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस, जो हमने सेक्शन नंबर 16 में डील किया। देन फ्रॉड, जो हमने सेक्शन नंबर 17 में डील किया। देन मिस रिप्रेजेंटेशन, जो हमने सेक्शन नंबर 18 में डील किया। आज हमें डील करना है अपना मिस्टेक वाला पोर्शन, जो आपका है सेक्शन नंबर 20, 21, 22। तो जैसा कि हमें पता है, कोअर्शन से अगर हमारी कंसेंट अफेक्ट होती है तो वो सेक्शन 19 में वॉइड होती है। अनडू इन्फ्लुएंस से अगर फ्री कंसेंट हमारी अफेक्ट होती है तो वो 19A के अंदर वॉइडेबल होती है। इसी तरीके से अगर फ्रॉड या रिप्रेजेंटेशन है तो वहाँ पर भी सेक्शन नंबर 19 से हमारी कंसेंट वॉइडेबल होती है। अब जब हम मिस्टेक की बात करेंगे तो मिस्टेक भी ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी कंसेंट वॉइडेबल ही हो। कुछ केसेस में वो वैलिड होती है, कुछ में वॉइड, कुछ में वॉइडेबल। सो मिस्टेक अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से इजी टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर विद इन द सेक्शन से आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए आपको आज का लेक्चर बहुत ही फोकस से अच्छे से समझना है और देखना है। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना मिस्टेक। तो मिस्टेक बेसिकली क्या है? हमारे कॉन्ट्रैक्ट अंदर एक्ट के अंदर कहीं भी डिफाइंड नहीं है, और जो सेक्शंस भी हैं वो मिस्टेक को डिफाइन नहीं करते, वो इनके इफेक्ट के बारे में बताते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक जनरल मीनिंग क्या हो सकता है मिस्टेक का वो डिस्कस करेंगे। सो मिस्टेक इज नॉट डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जैसे फ्रॉड था, कोअर्शन था, मिस रिप्रेजेंटेशन था, ये क्या थे, ये अपने सेक्शंस के अंदर ही डिफाइन करे हुए थे, लेकिन और इनका जो इफेक्ट था वो अलग सेक्शंस में बताया था। बट मिस्टेक के केस में ऐसा नहीं है। मिस्टेक इज नॉट डिफाइंड इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और जो हमारे पास सेक्शन 20, 21 एंड 22 है वो क्या करते हैं, वो इफेक्ट से और मिस्टेक के कॉन्सेप्ट से डील करते हैं, ठीक है। तो हम जनरल टर्म्स में मिस्टेक को कैसे डिफाइन कर सकते हैं या कैसे उसका मीनिंग समझ सकते हैं? सो अ मिस्टेक इज एन एरेनियस बिलीफ, यानी कि क्या है, एक एरर में की गई गलती है, दैट इज इनोसेंट इन नेचर। इनोसेंट इन नेचर का मतलब हमारा इंटेंशन कहीं पर भी डिसीव करने का या फ्रॉड करने का नहीं है, ठीक है। इट लीड्स टू अ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू पार्टीज। तो जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है उन्हें किसी भी चीज़ को लेकर अगर एक इनोसेंट मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, सो दैट विल बी योर मिस्टेक, जहाँ पर इंटेंट फ्रॉडुलेंट नहीं है, फाइन। सो दिस इज आर जनरल मीनिंग ऑफ द टर्म मिस्टेक। तो टाइप्स ऑफ मिस्टेक में हमारे पास सबसे पहला आता है मिस्टेक एज टू द मैटर ऑफ फैक्ट, और एक आता है मिस्टेक एज टू द लॉ। तो सेक्शन 20 और 22 जो है, ध्यान से सुनेंगे, सब फोकस करके, सेक्शंस मिक्स नहीं करने। 20 एंड 22 ये दोनों सेक्शंस आपके डील करते हैं मिस्टेक एज टू द फैक्ट, और जो सेक्शन नंबर 21 है ये डील करता है मिस्टेक एज टू द लॉ। अब जो मिस्टेक है एज टू द फैक्ट एंड जो मिस्टेक है एज टू द लॉ, ये दोनों ही जो मिस्टेक्स हैं ये हमारे किसी लैटिन टर्म से डिराइव हुई हैं। अब वो लैटिन टर्म क्या है ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। सो मिस्टेक ऑफ फैक्ट के लिए क्या है, इग्नोरेशिया फैक्टी एक्सक्यूजेट, दैट मीन्स इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज, यानी कि आप इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट का डिफेंस ले सकते हैं। वहां पर अगर हम बात करते हैं मिस्टेक एज टू लॉ का, तो ये कौन सी लैटिन टर्म पे बेस्ड है, इग्नोरेशिया ज्यूरिस नॉन एग्जीक्यूजेंट, दैट इज इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूजेस नो वन। यानी कि जनरल टर्म्स में अगर हम बात करें, यहाँ पर आप जो भी देख रहे हैं वो एक जनरल रूल है, ठीक है। लॉ की अगर आप बोले कि हमें इस लॉ के बारे में पता नहीं था तो दैट इज नॉट एक्सक्यूजेबल। तो किस सेक्शन में है, किस लैटिन टर्म पे बेस्ड है, ये दोनों चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है।
मैटर ऑफ फैक्ट मतलब जो मिस्टेक वाली चीजें या आपके पास आईपीसी के अंदर अगर आप सेक्शन 76 और 79 देखेंगे जहाँ जनरल डिफेंसेस की बात करिए तो वहां पर भी ये चीज डील करी जाती है, बट अभी के लिए सिर्फ आप सेक्शंस लिंक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मिस्टेक एज टू फैक्ट के ऊपर। हमारा सेक्शन नंबर 20 जो है वो बताता है बायलेटरल मिस्टेक के बारे में। अब वहाँ क्लियरली आपको बायलेटरल या यूनिलेटरल वर्ड नहीं दिखता, पर जब हम इसकी प्रोविजन को पढ़ते हैं तब हमें पता लगता है कि जहाँ दोनों पार्टीज की मिस्टेक है दैट इज योर बायलेटरल, जो सेक्शन 20 में दिया है, और जहाँ सिर्फ एक पार्टी की मिस्टेक है एज टू द कॉन्ट्रैक्ट दैट इज योर यूनिलेटरल। फाइन, सो मैंने इसका इफेक्ट भी यहीं इसलिए मेंशन कर दिया है ताकि एक ही चार्ट में आपको एक पूरा ब्रीफ मिल जाए। ठीक है, जब भी सेक्शन 20 के अंदर यानी कि जहां पर मिस्टेक दोनों पार्टीज की तरफ से होगी तो वहां आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, वॉइड होगा। ठीक है, वॉइड हमने पढ़ा था, डेफिनेशन आपको याद होगी। इसी तरीके से जब अगर कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी एक पार्टी मिस्टेक पर है दैट इज योर सेक्शन नंबर 22, तो वहां पर जो इफेक्ट होने वाला है वो क्या है, नॉट वॉइडेबल। अब आपको मिस्टेक में ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि सेक्शन में क्या वर्ड दे रखा है, अगर उनको वॉइड बताना है तो वहाँ एक्सप्रेसली वॉइड दे रखा है, पर जहाँ उन्हें वॉइड नहीं मतलब जहाँ उन्हें बताना है कि वॉइड नहीं है तो उन्होंने वहाँ लिखा है नॉट वॉइडेबल। एंड दिस नॉट वॉइडेबल का मतलब आप ऐसे नहीं एग्जाम में लिख दें कि वैलिड होगा, ठीक है, आपको नॉट वॉइडेबल टर्म ही यूज करनी है। तो दोनों पार्टीज की मिस्टेक है तो वहाँ वॉइड हो जाएगा, एक पार्टी की मिस्टेक है तो वहाँ नॉट वॉइडेबल होगा, यानी कि वहां वॉइड भी हो सकता है वैलिड भी हो सकता है, जो हम एक्सेप्शंस आगे पढ़ेंगे। इसलिए आपको कहीं पर भी एकदम एग्जैक्टली ऐसे नहीं कर देना कि वॉइड होगा या वैलिड होगा, नॉट वॉइडेबल मीन्स नॉट वॉइडेबल। ठीक है, अब वो सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करेंगे कि वॉइड है या वैलिड है। ठीक है, तो मैटर ऑफ फैक्ट वाले का आपको जो ये ब्रीफ था या आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी हम एक एक सेक्शन को अच्छे से फ्यूचर मतलब जो हमारे स्लाइड्स आने वाली हैं उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास सेक्शन नंबर 21 है जो बताता है मिस्टेक एज टू लॉ। अगर मिस्टेक है इंडियन लॉ के बारे में तो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है कि अगर आपको जिस कंट्री में आप रिसाइड कर रहे हो यानी कि अगर आपको इंडियन लॉ के बारे में नॉलेज नहीं है तो वो वैलिड एक्सक्यूज नहीं होगा, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल। अगेन वही पॉइंट आया, नॉट वॉइडेबल है, एक्सप्रेसली वॉइड नहीं है तो आप वॉइड नहीं लिखेंगे, एक्सप्रेसली वैलिड नहीं बोला तो वैलिड नहीं लिखेंगे। यहाँ पर क्या बोला है, नॉट अवॉइडेबल, तो आपको क्या इफेक्ट बताना है, नॉट अवॉइडेबल का। ठीक है, और ऐसा कोई लॉ है जो कि इंडियन लॉ के अलावा है दैट इज योर फॉरेन लॉ, तो फॉरेन लॉ की बात जब हम करते हैं तो उसका कैसा इफेक्ट होगा एज टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो जैसा मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर अभी हमने पढ़ा कि अगर दोनों पार्टी इस मिस्टेक पर है तो वॉइड होगा, यानी कि अगर दोनों ही पार्टीज को फॉरेन लॉ की से रिलेटेड मिस्टेक है तो वहां पर वॉइड हो जाएगा। अगर किसी भी एक पार्टी को फॉरेन लॉ के रिगार्डिंग मिस्टेक हुई है तो वो नॉट वॉइडेबल हो जाएगा। तो मूविंग ऑन, सबसे पहले हम बात करेंगे मिस्टेक एज टू द मैटर ऑफ फैक्ट। तो अभी हमने पढ़ा था सेक्शन 20 क्या बोलता है, बायलेटरल मिस्टेक के बारे में बात करता है, सेक्शन 22 बताता है यूनिलेटरल मिस्टेक के बारे में। अब ये जो बॉक्सेस हैं इसके अंदर वही प्रोविजन है जो आपके बेयर एक्ट में दिए हैं। तो बेयर एक्ट क्या बोलता है, सेक्शन नंबर 20 डिस्कस करेंगे। वेयर बोथ द पार्टीज, ये वर्ड जो है ना बोथ द पार्टीज, ये हमें बताता है कि सेक्शन 20 बायलेटरल मिस्टेक के बारे में डील करता है। सो वेयर बोथ द पार्टीज टू एन अग्रीमेंट आर अंडर अ मिस्टेक एज टू अ मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू द अग्रीमेंट, तो अग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा। इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट क्या बोलता है, एन एरेनियस ओपिनियन एज टू द वैल्यू ऑफ द थिंग विच फॉर्म्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द अग्रीमेंट इज नॉट टू बी डीम्ड अ मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट, दैट इज जहाँ सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू को रिगार्डिंग अगर आपका कोई एरर वाला ओपिनियन है दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ मिस्टेक, वो आप मिस्टेक नहीं मानेंगे। सो दिस एक्सप्लेनेशन इज इम्पॉर्टेंट। एग्जाम्पल देखेंगे अब हम, ए अग्रीज टू बाय फ्रॉम बी अ सर्टेन हॉर्स। ठीक है, ए को बी से कोई हॉर्स परचेज करना था। इट टर्न्स आउट दैट द हॉर्स वॉज डेड एट द टाइम ऑफ द बार्गेन दो नाइदर पार्टी वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट, सो अग्रीमेंट इज वॉइड। जिस टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था उस टाइम वो सब्जेक्ट मैटर यानी कि वो हॉर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता था और इस चीज के बारे में दोनों पार्टीज को नहीं पता था, तो यहाँ पर क्या हुआ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है बोथ द पार्टीज की तरफ से, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड होगा, या हम बोल सकते हैं अग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा। सो दिस इज योर सेक्शन नंबर 20। अब हम जब बात करेंगे सेक्शन नंबर 22 के अंदर तो ये क्या बोलता है, अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल। ठीक है, यहाँ इन्होंने वॉइड या वैलिड नहीं बोला, यहाँ इन्होंने टर्म क्या यूज किया है, नॉट वॉइडेबल।
मेयरली बिकॉज इट वॉज कॉज्ड बाय वन ऑफ द पार्टीज. तो ये वन ऑफ द पार्टीज हमें क्या बता रहा है कि सेक्शन 22 यूनिलेटरल मिस्टेक के बारे में बात करता है. ठीक है, एज टू इट बींग अंडर अ मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट, यानी कि किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब एक पार्टी की तरफ से मिस्टेक होती है तो दैट इज योर यूनिलेटरल मिस्टेक एंड उसका इफेक्ट रहेगा नॉट वॉइडेबल. सो आई होप आपको सेक्शन 20 एंड 22 के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा. अब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 20 की और हम बात करते हैं, अभी हमने प्रोविजन डिस्कस किया था, बेयर प्रोविजन डिस्कस किया था, अब हम बात करेंगे कि एसेंशियल एलिमेंट्स क्या रहते हैं बायलेटरल मिस्टेक के केस में. तो सबसे पहला क्या है, दोनों पार्टीज जो है दैट मस्ट बी अंडर अ मिस्टेक, मिस्टेक दोनों की तरफ से होनी चाहिए जब भी वो बायलेटरल मिस्टेक होगी. सेकेंड क्या है, मिस्टेक मस्ट बी ऑफ फैक्ट एंड नॉट ऑफ लॉ, बिकॉज फैक्ट के अंदर ही बायलेटरल और यूनिलेटरल वाला कॉन्सेप्ट है, लॉ के अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. तो जो पार्टीज जो है अंडर अ मिस्टेक वो किसके मिस्टेक होनी चाहिए, फैक्ट की मिस्टेक में होनी चाहिए, ना कि लॉ की मिस्टेक में. देन मिस्टेक मस्ट बी रिलेटेड टू एन असेंशियल फैक्ट. अब हमें डिस्कस करना है कि ये असेंशियल फैक्ट्स कौन से होते हैं, यानी कि जब बायलेटरल मिस्टेक है तो वहाँ पर किन किन फैक्ट्स पे क्या हो सकता है, मिस्टेक हो सकता है. सो पहला क्या है, व्हाट फैक्ट्स आर एसेंशियल इन बायलेटरल मिस्टेक. तो पहला क्या बताता है, एग्जिस्टेंस को, कोई सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता उसको लेके मिस्टेक, या मिस्टेक एज टू द आइडेंटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर कि क्या ये वही सब्जेक्ट मैटर है जिसपे वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं. देन द क्वांटिटी, यानी कि कितना अमाउंट होना चाहिए उस सब्जेक्ट मैटर का. देन द क्वालिटी, देन प्राइस, परफॉर्मेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एंड देन फाइनली टाइटल टू द सब्जेक्ट मैटर. तो क्या क्या हो गया, एग्जिस्टेंस, आइडेंटिटी, क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस, परफॉर्मेंस एंड द टाइटल. अब हम इनका एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे ताकि आपको और क्लैरिटी रहे एग्जिस्टेंस की. सो इसमें क्या था, ए एंड बी आर इन्वॉल्व इन अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल अ हॉर्स इन अ स्पेसिफिक अमाउंट. एक हॉर्स को सेल करने की कॉन्ट्रैक्ट बना था, बट हॉर्स डाइज बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इज परफॉर्म एंड बोथ द पार्टीज आर अनअवेयर ऑफ दिस फैक्ट. तो क्या हुआ, यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर यानी कि हॉर्स की एग्जिस्टेंस को लेकर ही दोनों पार्टीज मिस्टेक पे थी. सेकेंड हम बात करेंगे आइडेंटिटी की. इसमें क्या था, ए एंड बी मेड अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच ए प्रॉमिस टू सेल हिज कार टू बी. तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर क्या है, कार. अब ए के पास क्या था, दो कार थी, एक रेसिंग कार थी और एक टूरिज्म पर्पज के लिए थी, दोनों कार का पर्पज अलग अलग था. अब हियर द रियल आइडेंटिटी ऑफ द कार इज नॉट क्लियर एंड बोथ द पार्टीज आर थिंकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ कार. ठीक है, तो वहां पर क्या है, जो सब्जेक्ट मैटर की आइडेंटिटी है यानी कि कार कौन सी वाली है उस चीज को लेकर मिस्टेक पर है दोनों पार्टीज. फाइन, देन अब हम बात करेंगे क्वांटिटी की. सो ए एंड बी मेड अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच अ ट्रांजैक्शन ऑफ 200 पैन इन रिटर्न ऑफ सम अमाउंट इन्वॉल्व, यानी कि कितने पैंस देने थे, 200 पैंस देने थे, बट 100 पैंस आर सोल्ड अर्ली बाय द ब्रदर ऑफ ए बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट कुड बी परफॉर्म एंड बोथ द पार्टीज दैट इज ए एंड बी वर अनअवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट ओनली 100 आर्टिकल्स डू एग्जिस्ट. तो जिससे पहले उन 200 पैन के कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस होता, जो हमारी पार्टी थी उसके ब्रदर ने क्या किया, 100 पैन पहले ही सेल आउट कर दिए. तो अब जब कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस की बात आई तो उस टाइम क्या थे, सिर्फ 100 पैन एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों जो पार्टीज थी वो उन 100 पैंस को लेकर मिस्टेक पे थी. फाइन, आई होप आपको अच्छे से एग्जाम्पल क्लियर हो गए होंगे. अब हम बात करते हैं क्वालिटी को लेके. सो इसमें क्या है, ए एंड बी मेड अ कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर इन विच ए सोल्ड हिज कार इन रिटर्न ऑफ सम अमाउंट. सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ, कार. दे बिलीव दैट कार वॉज फॉर रेसिंग पर्पज बट द कार वॉज फॉर टूरिज्म पर्पज. तो यहाँ क्या हुआ, क्वालिटी से रिलेटेड हमारे पास इशू क्रिएट हुआ है, मिस्टेक हुई दोनों पार्टीज को. पार्टीज को लग रहा था रेसिंग कार है बट एक्चुअली वो क्या थी, टूरिज्म पर्पज की कार थी. ठीक है, सो दैट इज योर क्वालिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. देन प्राइस, ए एंड बी मेड अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल थिंग्स इन कंसिडरेशन फॉर सम मनी विच वॉज नॉट अ वैलिड अमाउंट एंड बोथ द पार्टीज आर अनअवेयर ऑफ दिस फैक्ट. यानी कि जहाँ आपको प्राइस को लेकर मिस्टेक हो एज टू द सब्जेक्ट मैटर, तो वहाँ क्या आता है, मिस्टेक एज टू द प्राइस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर आएगा. ठीक है, नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस. अब परफॉर्मेंस में दो परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं, एक होती है फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी, एक होती है लीगल इम्पॉसिबिलिटी. यानी कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने जा रहे हैं उस टाइम हो सकता है वो सब्जेक्ट मैटर ही एग्जिस्ट ना करता हो, तो वहाँ क्या है, फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी है. या सेकेंडली, जब आप उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने जा रहे हैं तब क्या हो रहा है, किसी लॉ के वजह से वो सब्जेक्ट मैटर ही
अनलॉफुल हो जाए तो वहां पर क्या है, लीगली आप उसे परफॉर्म नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी का एग्जाम्पल देखेंगे। अ पेंटर मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन टू पेंट अ हाउस बट बिफोर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी हाउस बर्न्स। तो यहाँ क्या हो गया, सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया। लीगल इम्पॉसिबिलिटी में क्या होता है, एनी लॉ मेड बाय लेजिस्लेशन विच मेक्स इट इम्पॉसिबल टू फुलफिल द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। हो सकता है कि जिस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो हमारा सब्जेक्ट मैटर पहले वैलिड था वो अब किसी लेजिस्लेशन या किसी लॉ के आने के बाद क्या हुआ, इनवैलिड हो गया या अनलॉफुल हो गया, तो वहाँ पर इम्पॉसिबिलिटी हो गई एज टू द परफॉर्मेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। फाइन, देन लास्ट हमारे पास बचता है टाइटल। मिस्टेक एज टू द क्वेश्चन ऑफ ओनरशिप ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। जब आपको ये मिस्टेक हो जहाँ पर सपोज ए और बी जिसको जिस सब्जेक्ट मैटर पे डील कर रहे थे एक्चुअली उस सब्जेक्ट मैटर का टाइटल ए के पास ना होके सी के पास था, तो वहाँ क्या था, दोनों ही ए और बी किस मिस्टेक पर है, मिस्टेक एज टू द टाइटल ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, सो ये बहुत ही ईजी टर्म्स है, विद एग्जाम्पल आई गेस आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई इशूज हो देन यू कैन पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। ये सेक्शन नंबर 22 की, दैट इज योर यूनिलेटरल मिस्टेक। यूनिलेटरल मिस्टेक मतलब जहाँ एक पार्टी मिस्टेक पर है एज टू द सब्जेक्ट मैटर और वहाँ पे क्या होने वाला है, नॉट अवॉइडेबल का इफेक्ट आने वाला है। बट अब कुछ हमारे पास ऐसे केसेस हैं जो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड या वॉइडेबल बना सकते हैं, दैट इज जहाँ एक पार्टी के वजह से भी कॉन्ट्रैक्ट को आप वॉइड डिक्लेयर करा सकते हैं। दिस इज योर एक्सेप्शन टू द जनरल रूल। सो फ्यू केसेस विच मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एंड वॉइडेबल मेयरली बाय अ मिस्टेक ऑफ द फैक्ट ऑफ वन पार्टी, दैट इज योर एक्सेप्शन टू द जनरल रूल। तो किस किस केस में वॉइडेबल होगा और किस केस में वॉइड होगा? सो वॉइडेबल होगा जब आपकी जो मिस्टेक है वो किससे अफेक्ट हुई हो, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में। हमने लास्ट लेक्चर्स में भी पढ़ा था कि फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में क्या होता है, जो इफेक्ट आता है उसका वो क्या होता है, वॉइडेबल होता है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आपकी मिस्टेक फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन से अफेक्ट हुई है देन योर कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल। वॉइड किस केस में होगा, जहाँ मिस्टेक है एज टू द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मतलब सपोज दो जनों के बीच में, दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ सेकेंड वाली जो पार्टी है वो मेंटली अनस्टेबल है या किसी डिजीज की वजह से उसकी सोचने समझने की शक्ति वैसी नहीं है जैसी एक नॉर्मल पर्सन की होती है, और इसी की वजह से क्या हुआ, वो नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, तो इन दैट केस जो आपकी मिस्टेक होगी वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करा सकता है। इसी के साथ साथ आइडेंटिटी ऑफ द पार्टीज, जहाँ किन पार्टीज के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है वो क्लियर नहीं है। ए को बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना था पर गलती से उसने सी को बी समझकर सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो वहाँ क्या है, आइडेंटिटी को लेकर मिस्टेक है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है, सो ये आपकी जनरल रूल का एक्सेप्शन है, ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। सो आई होप सेक्शन 20, उसके एलिमेंट्स, उसके टाइप्स और सेक्शन नंबर 22 दोनों आपको अच्छे से क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड टाइप ऑफ मिस्टेक की, दैट इज योर मिस्टेक एज टू द लॉ। ठीक है, तो सेक्शन 21 जो कि हमें प्रोविजन बताता है, और यही मैंने आपको इस बॉक्स के अंदर एग्जैक्ट क्या प्रोविजन हमको बोलता है बियर एक्ट का वो दिया है। सो इसमें भी क्या बोला है, अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल। नॉट वॉइडेबल मतलब नॉट वॉइडेबल ही लिखना है, वैलिड या वॉइड नहीं लिखना है। नॉट वॉइडेबल इसका इफेक्ट बताया, बिकॉज इट वॉज कॉज्ड बाय अ मिस्टेक एज टू एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया। यानी कि जो फोर्स इन इंडिया वाला, यानी कि ये क्या है आपका, इंडियन लॉ के बारे में बता रहा है। ये कौन सा लॉ है आपका, इंडियन लॉ में अगर मिस्टेक है इंडियन लॉ को लेकर देन तो वो नॉट वॉइडेबल होगा। ठीक है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस बट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अ मिस्टेक एज टू अ लॉ नॉट इन फोर्स इन इंडिया हैज द सेम इफेक्ट एज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। जो अभी हम चार्ट में पढ़कर आए थे स्टार्टिंग में, अगर मिस्टेक इंडियन लॉ की नहीं है यानी कि वो फॉरेन लॉ की मिस्टेक है, और अगर कोई मिस्टेक फॉरेन लॉ की है तो उसका सेम इफेक्ट रहने वाला है एज दैट ऑफ द मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ठीक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हमने अभी डिस्कस किया है, उसी के प्रोविजन फॉरेन लॉ की मिस्टेक पे अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या होता है, ए एंड बी मेक अ कॉन्ट्रैक्ट ग्राउंडेड ऑन द एरोनियस बिलीफ दैट अ पर्टिकुलर डेट इज डिबार्ड by the is barred by the Indian law of limitation, the contract is not voidable। यानी कि यहाँ क्या है, limitation act को लेकर A और B दोनों ने एक contract form करा जहाँ पर उन दोनों की mistake थी, किसको लेकर, Indian law के अंदर।
लेकिन इंडियन लॉ, क्योंकि लॉ ये बिलीव करता है कि जो भी इंडिया का लॉ है उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, नॉट वॉइडेबल रहेगा, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पर वैलिड रहेगा, ठीक है, पर आपको एग्जाम में नॉट वॉइडेबल ही लिखना है। सो दिस इज योर मिस्टेक ऑफ लॉ। अब हम इसी में बात करते हैं वही एक्सेप्शन की, जैसे अभी हमने 22 में एक्सेप्शन डील किया था, यहाँ पर भी करेंगे। मतलब अभी हमने क्या बोला था कि मिस्टेक एज टू लॉ इज नो एक्सक्यूज, लेकिन किस सर्कमस्टांसिस में मिस्टेक ऑफ लॉ भी एज एन एक्सक्यूज या एज अ डिफेंस क्लेम की जा सकती है। व्हेन मिस्टेक एज टू द लॉ इज एन एक्सक्यूज, या हम बोल सकते हैं कि व्हेन मिस्टेक एज टू द लॉ मेक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड या वॉइडेबल, यानी कि अगेन योर एक्सेप्शन। सबसे पहला आएगा मिस्टेक रिगार्डिंग फॉरेन लॉ, जो हमने दो तीन बार से हम अभी रिवाइज कर कर आए हैं, डेफिनेशन में दे रखा है, खुद से बता रखा है कि अगर किसी भी मिस्टेक हो रही है किसी भी लॉ के रिगार्डिंग, दैट इज योर अदर देन लॉ इन फोर्स इन इंडिया, यानी कि इंडिया के बाहर का कोई भी लॉ है तो अगर उससे रिलेटेड कोई मिस्टेक है तो वहाँ पे इफेक्ट रहने वाला है मिस्टेक ऑफ फैक्ट के जैसा, दैट इज योर सेक्शन नंबर 21। फाइन। अगर और सेकेंड आता है हमारे पास मिस्टेक रिगार्डिंग प्राइवेट राइट, क्योंकि क्या होता है प्राइवेट राइट एक पर्सन का खुद का पर्सनल राइट होता है, तो उस केस में हर पर्सन के प्राइवेट राइट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हो दैट इज नॉट नेसेसरी। तो अगर आप ड्यू डिलिजेंस से पता कर सकते हैं दैन इट्स ओके, अदरवाइज यहाँ पर भी आप मिस्टेक ऑफ लॉ जो है उसको एज अ डिफेंस क्लेम कर सकते हैं। फाइन। तो ये जो है सेम इफेक्ट, मतलब जैसे बता रखा है ना एज टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तो ये आपका सेक्शन नंबर 21 में इटसेल्फ ही बताया गया है। सेक्शन नंबर 21 के अंदर हमें दो चीज़ें बताई गई है, क्या बताया गया, एक तो नॉट वॉइडेबल, ये हमने भी पढ़ा, और एक क्या होगा अगर मिस्टेक एज टू लॉ नॉट इन फोर्स इन इंडिया है तो उसका सेम इफेक्ट होगा एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर भी इसको अगेन बता दिया है ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से याद रहे कि सेक्शन 21 के अंदर ही हमें मिस्टेक ऑफ लॉ भी बताया है और उसका इफेक्ट भी बताया है। फाइन। सो आई होप अभी तक आपको मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, सारे एलिमेंट्स, सारे कंपोनेंट्स, सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने केस लॉस के ऊपर। सबसे पहला केस हमारा आता है ग्रांट वर्सेस बॉर्क का। इसमें क्या हुआ था, द एक्यूज वॉज चार्ज्ड अंडर द इमाइग्रेशन एक्ट 1971 फॉर स्टेइंग बियॉन्ड द टाइम लिमिट गिवन बाय हिज लीव। तो इमाइग्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग जो प्रोविजंस थे, मतलब उसके बियॉन्ड जाने की वजह से एक्यूज को चार्ज किया गया था। उसने क्या असर्शन दिया, ही असर्टेड दैट ही मेड रिक्वेस्ट टू एक्सटेंड हिज स्टे बट द सेम वॉज रिजेक्टेड एंड ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द इमाइग्रेशन लॉ। यानी कि उसने यहाँ पर क्या डिफेंस लिया कि उसे उस लॉ के बारे में नॉलेज नहीं थी। कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, ही वॉज हेल्ड लाइबल एज इट वॉज अ मिस्टेक ऑफ लॉ, ये इंडियन लॉ की मिस्टेक थी एंड ही कैन नॉट अप्लाई फॉर डिफेंस अंडर द मिस्टेक ऑफ लॉ। तो जहाँ आपको एक्सप्रेसली नहीं बोला जा रहा है कि ये फॉरन लॉ से रिलेटेड मिस्टेक है, तो वहाँ आप यही अज्यूम करेंगे कि ये इंडियन लॉ की मिस्टेक है एंड इंडियन लॉ की मिस्टेक इज नॉट एन एक्सक्यूज। तो इस केस में भी यही हेल्ड किया गया था। नेक्स्ट केस हम बात करेंगे, द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेज मेयर हैंस जॉर्ज। इसमें क्या हुआ था, जो डिफेंडेंट थे वो क्या थे, एक जर्मन स्मगलर थे, उन्होंने 27/11/1962 को बोर्डेड अ प्लेन इन ज्यूरिच विद 34 केजीज ऑफ गोल्ड कंसील्ड विद हिम टू बी डिलीवर्ड इन मनीला। यानी कि आपको इतने फैक्ट्स में नहीं जाना, एक जनरल चीज़ है कि यहाँ पर वो कुछ स्मगलिंग करने के लिए कोई गोल्ड लेके जा रहे थे। द प्लेन अराइव्ड इन बॉम्बे ऑन 28 नवंबर एज अ पार्ट ऑफ लेओवर इन बॉम्बे। जब बॉम्बे के अंदर प्लेन अराइव हुआ तो वहाँ की कस्टम अथॉरिटीज ने क्या किया, द कस्टम अथॉरिटीज examined the manifest of the aircraft to see if any gold was committed by any passenger and did not find any entry, so they entered the plane. तो यानी कि वहाँ पर basically investigation की गई, search the defendant, recovered the gold and charged him under section 81 and 23(1)(a) of Foreign Exchange Regulation Act. ये red with notification dated 8 November 1962 of RBI. तो उनको फेरा, दैट इज़ आर फॉरन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट में, उसके साथ साथ एक नोटिफिकेशन जो पब्लिश हुई थी गजेट के अंदर आरबीआई के थ्रू, उस एक्ट के अंदर उन्हें ऑफेंस के लिए चार्ज किया गया। अब यहाँ कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, स्टेटिंग दैट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज द डिफेंडेंट वॉज कन्विक्टेड। इट वॉज ऑल्सो सेड दैट नोटिफिकेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लॉ एंड इज डीम्ड टू हैव बीन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द पीपल कंसर्न एज सून एज इट गेट पब्लिश इन द ऑफिशियल गेजेट। तो इन्होंने ये बोला कि जो आरबीआई ने नोटिफिकेशन दिया था
वो भी एक लॉ का ही पार्ट है और वो सभी के नॉलेज में रहता है क्योंकि वो पब्लिकली दिया जाता है। सो अगर आप बोल रहे हैं कि आपको उस नोटिफिकेशन के बारे में पता नहीं था, देन दैट विल नॉट बी अ प्रॉपर डिफेंस, क्योंकि वो भी लॉ में कवर्ड होता है एंड इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। कि दैट इज कूपर वर्सेस फिप्स, दैट इज योर 1867 केस। इसमें क्या हेल्ड हुआ था, द कंप्लेनेंट मिस्टर कूपर वॉज द नेफ्यू ऑफ द ओनर ऑफ द सेलमॉन फिशरी नियर बेलिसडायर आयरलैंड। तो यहाँ पर एक कंप्लेनेंट जो थे मिस्टर कूपर, वो किसके नेफ्यू थे, कोई फिशरी थी उनके ओनर के नेफ्यू थे। ही लीज्ड हिज दिस सेलमॉन फिशरी फ्रॉम हिज अंकल, उन्होंने अपने अंकल से, यानी कि जो मिस्टर कूपर है उन्होंने अपने अंकल से वो फिशरी लीज पे ले रखी थी। वेन हिज अंकल डाइड एंड द लीज केम अप फॉर द टाइम ऑफ रिन्यूअल, द कंप्लेनेंट रिन्यूड द लीज फॉर द सेलमॉन फिशरी विद हिज आंट। तो अंकल की डेथ हो जाती है, आंट के साथ में उन्होंने उस जो जब रिन्यूअल का टाइम आता है तो उन्होंने उस लीज को रिन्यू कराया। हाउएवर इट वॉज लेटर फाइंड आउट दैट इन द अंकल्स विल मिस्टर कूपर एज हिज नेफ्यू हैड बीन गिवन लाइफ टेनेंसी ऑफ द सेलमन फिशरी। तो दैट मीन्स जब उनको लाइफ टाइम टेनेंसी मिल गई थी तो इसका मतलब इन दैट केस वहाँ पर लीज को रिन्यू कराने की कोई ज़रूरत नहीं थी। दिस मैंट दैट देयर वॉज नो नीड फॉर द लीज दैट एग्जिस्टेंस बिटवीन हिम एंड द आंट एंड द डिस्प्यूट अरोज वेदर द नेक्स्ट रेंटल पेमेंट वॉज ड्यू। तो अब लीज को रिन्यू कराना है कि नहीं कराना, उस चीज़ के ऊपर डिस्प्यूट आता है। सो यहाँ पर क्या हेल्प किया गया, इट वॉज हेल्ड दैट द कॉन्ट्रैक्ट एंड लीज दैट एग्जिस्टेड बिटवीन द कंप्लेनेंट एंड द डिफेंडेंट वॉज वॉइडेबल रादर देन वॉइड। यहाँ पर वॉइड ना होगी क्या थी, वॉइडेबल थी। क्यों, दिस वॉज ड्यू टू द क्लेम बींग इन इक्विटी एज मिस्टर कूपर हैड बेनिफिशियल ओनरशिप ऑफ द सेलमॉन फिशरी एंड नॉट लीगल ओनरशिप। तो वहाँ पर उनके पास क्या थी, उन्हें एज अ बेनिफिशियरी लाइफ टाइम टेनेंसी दी गई थी। दिस केस कंसर्न रेस्ट हुआ एंड इट वॉज अ मिस्टेक एज टू द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी। अभी हमने पढ़ा था बायोलेटरल मिस्टेक में किस किस चीज़ों पे मिस्टेक हो सकती है, तो वहाँ एक टाइटल भी था, तो ये केस उससे रिलेटेड है। मिस्टर कूपर वॉज ऑलरेडी द बेनिफिशियल ओनर ऑफ द सेलमॉन फिशरी एंड देयर कुड बी नो लीज। जब ऑलरेडी उनके पास लाइफ टाइम राइट है तो वहाँ आपको लीज रिन्यू करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सो इट वॉज हेल्ड दैट सच एन एग्रीमेंट वुड बी सेट असाइड ड्यू टू अ कॉमन मिस्टेक बाय बोथ द पार्टीज एज टू ओनरशिप। फाइन, सो आई होप आपको ये केस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट केस हमारे पास आता है गैलोवे वर्सेस गैलोवे के। इसमें क्या हुआ था, दोनों पार्टीज जो थी वो किसी मिस्टेक में थी। अब वो क्या मिस्टेक थी वो देखते हैं। दिस वॉज द केस ऑफ बोथ द पार्टीज वर अंडर द मिस्टेक दैट दे वर मैरिड। दोनों पार्टीज किस मिस्टेक में थी कि वो दोनों मैरिड हैं। द टू ऑफ देम एग्रीड टू सेपरेट एंड दस मेड एन एग्रीमेंट। तो बेसिकली उन्हें क्या चाहिए था, डाइवोर्स चाहिए था। Then it was found out that man's first wife was still alive, which was actually unknown to both of them. तो अब यहाँ पर क्या होता है, जो मैन था उसकी फर्स्ट वाइफ ऑलरेडी जिंदा थी और ये दोनों ही फैक्ट दोनों ही पार्टीज को नहीं पता थे। तो यहाँ क्या हुआ, मिस्टेक हो रही है बोथ द पार्टीज की तरफ से। सो द कोर्ट हेल्ड दैट द सेपरेशन डीड वॉज वॉइड, क्योंकि वो मैरिज ही वैलिड नहीं है, इसलिए जो सेपरेशन डीड बनी वो भी वॉइड होगी। इट वॉज ऑन द ग्राउंड that the agreement had been done on the belief that they were married to each other but turned out otherwise with the first being alive. Unko kis cheez ka mind mein mistake tha ki dono married hain, balki unki marriage to tabhi void ho gayi kyunki unki first wife zinda thi. theek hai, to yahan par kya aata hai, both the parties were under the mistake. to yahan par kya hota hai, deed void ho jata hai. case aata hai Taplin versus Jenica. isme kya tha, The buyer wanted to buy land and was well versed with its measurement. He was also provided with the plan to study it further. तो buyer को एक land purchase करनी थी, उसने उसके बारे में अच्छे से उसको पूरी knowledge थी, even उसको plan भी दिया गया था to study further. But he declined and when he purchased the land, he saw the garden area which he thought to be included in the plan was not there. ठीक है, पर उसने मना कर दिया उस प्लान को स्टडी करने से। और जब उसने लैंड परचेज करी, देन ही रियलाइज कि जो गार्डन एरिया जो उसको लग रहा था कि प्लान का पार्ट है वो नहीं था। तो अब क्या हुआ, कोर्ट ने क्या हेल्प किया, द कोर्ट हेल्ड दैट द कॉन्ट्रैक्ट कांट बी रिवोक्ड एट एज इट वॉज क्लियरली मेंशन्ड इन द प्लान प्रोवाइडेड। अब आपने प्लान नहीं देखा, दैट इज योर मिस्टेक, यानी कि यहाँ क्या है, किसी एक पार्टी की मिस्टेक है। एंड इट वॉज अ मेयर मिस्टेक ऑफ वन पार्टी, हैंस द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। इसलिए वहाँ जो वर्ड यूज होता है वो क्या है, नॉट वॉइडेबल है। नॉट वॉइडेबल का मतलब वैलिड भी हो सकता है, वॉइड भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या थी, एक पार्टी की मिस्टेक के वजह से भी कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। फाइन,
सो आई होप आपको अभी तक के सारे केसेस अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब आता है हमारे पास होमवर्क क्वेश्चंस का टाइम। सो क्वेश्चन पहला क्या है, व्हेन बोथ द पार्टीज टू द अग्रीमेंट आर एट मिस्टेक रिगार्डिंग फैक्ट्स द अग्रीमेंट विल बी। सो आई होप हमने अच्छे से डिस्कशन किया है, सो आप इसका करेक्ट आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में देंगे। इसके बाद अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट, दैट इज योर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। इग्नोरेशिया फैक्टी एक्सक्यूजेट बट इग्नोरेशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूजेट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इन लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो हमने ये दोनों लैटिन मैक्सिम्स अच्छे से डिस्कस करी हैं, सो आई होप आप इसका प्रॉपरली आंसर फ्रेम कर सकते हैं। इसी के साथ आप आंसर, जो मॉडल आंसर इस क्वेश्चन का, हमारी वेबसाइट www.judicialdream.com पर अवेलेबल है, उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। इसी के साथ MCQ जिसका आंसर अभी आपने कमेंट बॉक्स में लिखा होगा, उसका करेक्ट आंसर भी आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो अदर MCQs अवेलेबल हैं सभी टॉपिक्स पे, और स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, क्विजेज अवेलेबल हैं, आप उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आज इसी के साथ हमारा जो कंसेंट वाला पार्ट है वो फिनिश होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसी के साथ आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं थ्रू टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम। इन सभी के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड। थैंक यू सो मच एंड प्लीज कंप्लीट योर होमवर्क ऑन डेली बेसिस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।